असलम गुड मॉर्निंग हाउ आर यू आई होप यू आर ऑल वेल दिस इज इंग्लिश ग्रामर क्लास दो टूडे वी विल रीड दिस डेट डेफिनेशन ऑफ दिस दिस इज यूज टू पॉइंट आउट आ सिंगुलर थिंग विच इज़ नियर जिसका इस्तेमाल करीब की चीज़ के लिए किया जाता है और वाहिद होती है वो जिसका मतलब है ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ डॉल डेफिनेशन ऑफ डैट डैट इज़ used टू पॉइंट आउट a सिंगुलर थिंग which इज एट डिस्टेंस डैट दूर की वाहिद चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है डैट का मतलब है वो डेट इज अकाव नेगेटिव डिस और डेट से शुरू होने वाले चुमलों को मनफी बनाने के लिए इसके बाद नोट लगाएँ एग्जाम्पल दिस इज नोट आ पेन डेट इज नोट अबोक इसके बाद आपने नोट लगाना है ओके इंटेरोगेटिव दिस और डेट से शुरू होने वाले जुमलों को सवालिया बनाने के लिए इसको सेंटेंस के शुरू में लाएं और आखिर में सवालिया निशान लगाए इस दिस आ कैब इस आपने पहले लगाना है जिस बाद में ओके पार्ट ए कंप्लीट सेंटेंसेस विद दिस और दैट ये आपने बुक के ऊपर मुकम्मल करना है पार्ट बी चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव आपने इसे मनफी बनाना है और ये आपने कॉपी के ऊपर आइड डाउन करना है पार्ट सी चेंज दी फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव इसे आपने सवालिया बनाना है और ये आपने कॉपी के ऊपर आई ऑन करना है पार्ट डी ट्रांसलेट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश ये आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इसे आपने कॉपी के ऊपर आई ऑन करना है जो आपको नोट्स दिए गए हैं ग्रामर बुक के पेज नंबर ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर के जो आंसर है वो नोट्स के ऊपर दिए गए हैं यहाँ से देख के आप मेरे आई ऑन करने हैं ओके